नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थुरिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आगरा में तिरंगा यात्रा निकालने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 467 लोगों पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन और अधिक भीड़ जुटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 17 लोग नामजद हैं जबकि 450 अज्ञात लोग हैं। पार्टी के लोगों पर आरोप है कि रविवार को हुई रैली में पार्टी को जितने लोगों की परमिशन दी गई थी, यात्रा में उससे ज्यादा लोग शामिल थे। आरोपियों पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के बाद आगरा में ये दूसरी तिरंगा संकल्प यात्रा थी जिसमें हजारों लोगों ने राष्ट्रीय तिरंगे के साथ भाग लिया था। सिसोदिया की तिरंगा यात्रा जीआईसी मैदान से शहीद स्मारक तक निकाली गई थी। बताया जा रहा है कि इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। ऐसे में महामारी अधिनियम के तहत इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा के थाना लोहा मंडी में ये केस दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसी के तहत आगरा में रविवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।